सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। प्रोग्राम इल्म के ख़ज़ाने में मैं रज़ा हैदर, डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं राजस्थान की सरज़मीन पर, राजस्थान की सरज़मीन जो राजाओं और नवाबों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। राजस्थान की सरज़मीन अपनी इमारतों, महलों और किलों की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग मकाम रखती है। यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के नवाबों ने मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। आज हम मौजूद हैं सरज़मीन राजस्थान के मशहूर मारूफ शहर टोंक में। टोंक का नाम जब हमारे जहनों में आता है तो यहाँ के नवाबीन का नाम खुद ब खुद जहनों में आ जाता है। इसी टोंक शहर में एक अदारा है जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर्शियन एंड अरबिक इंस्टीट्यूट। तो आइए आज हम चलते हैं इस अदारे में और हम देखते हैं कि इस अदारे की सरगर्मियाँ क्या हैं, इस इदारे में किस तरह के कलमी ज़खीरे हैं, इस इदारे में मखतूतात की नौयत क्या है, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़बान व अदब और तहज़ीब व सकाफ़त के ताल्लुक से ये इदारा किस तरह से सरगर्म है। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक और पर्शियन इंस्टीट्यूट ऑफ टोंक हूँ। आप मुझे राजस्थान का ख़ास इल्मी ख़जाना भी कह सकते हैं। उर्दू की तरक्की और तरवीज में दिल्ली, यूपी और हैदराबाद की तरह राजस्थान की खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। राजस्थान में खासतौर से टोंक को इल्मी और अदबी मैदान में इंतहाई मुमताज और मुनफरिद हैसियत हासिल है। ये इदारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान टोंक, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मशहूर इदारा है जो दुनिया में अपने किताबों के लिहाज से बहुत मशहूर है। 50 से ज़्यादा मुल्कों से लोग यहाँ पर शोध के लिए आ चुके हैं और 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट पर यहाँ पर उर्दू, फारसी, अरबी ज़बानों में किताबें मौजूद हैं, जहाँ इंडिया और बाहर के लोग मुस्तकिल तौर पर आते रहते हैं। ख़ा वो ईरान के हों या अरब के हों या जापान के हों या अमेरिका के हों, मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर कैलीग्राफी के बहुत शानदार नमूने हैं, बेहतरीन तुगरे हैं। कुरान मजीद के यहाँ पर 900 साल पुराने नुस्खे मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ एक कुरान करीम जो दुनिया के मुल्कों में सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ का कुरान शरीफ है, जिसका अल्फी कुरान करीम यहाँ टोंक में तैयार हुआ। इंस्टीट्यूट की खूबसूरत और पुरकशिश इमारत एक तारीखी पहाड़ी के दामन में वाक़ है। ये जयपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर जुनूब में है। यहाँ का माहौल खुश्क है और यहाँ तक पहुँचने का वाहिद जरिया एक ज़मीनी रास्ता है जो जयपुर से जुड़ा हुआ है। इस इंस्टीट्यूट का रकबा 1,26,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये इमारत 17,173 स्क्वायर फीट में आबाद। मेहमान खाने के कुल 8 कमरे हैं जो हर वक्त आरास्ता और पैरास्ता रहते हैं और इनकी आराइश और जेबाइश देखने से ताल्लुक रखती है। मौलाना आजाद अरबिक एंड पर्शियन इंस्टीट्यूट के कयाम का सहरा बुनियादी तौर पर राजस्थान सरकार के सर जाता है, जिसकी सरगर्मियां और खिदमात शोराए आफाक हैसियत हासिल कर चुकी हैं। ये इदारा राजस्थान अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका वजूद 4 दिसंबर 1978 को हुआ, ये हमारे
वज़ीर आला जनाब भैरव सिंह शेखावत की काविशों का नतीजा था कि उन्होंने इस इदारे का क़याम किया और उनका ये अजीम कारनामा बहुत अहम कारनामा था। ये इदारा अरबी पर्शियन की खिदमत कर रहा है और अरबी फ़ारसी के मखतूतात अपने अंदर समोए हुए है। जहाँ ये ग्रंथ भंडार बैतुल हिकमत और फरामीन और असनाद का ज़खीरा अपने अंदर समोए हुए है, यहाँ पर अरबी फ़ारसी और कैलीग्राफी की क्लासें भी लग रही हैं। ये हमारा बैनुल अक्वामी इदारा है और हमारा कौमी और सकाफती सरमाया है। लोग यहाँ मरकर भी ज़िंदा हैं। एक शायर ने कहा था कि रहता कलम से नाम कयामत तलक है ज़ोक, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त, औलाद से तो दो पुश्त चार पुश्त चल ख़ानदान चल जाता है, लेकिन कलम से कयामत तक शख्स का नाम रहता है। जिन लोगों के मखतूतात, जिन लोगों की तहरीरात, जिन लोगों की असनाद यहाँ जमाए, वो यहाँ मरकर भी अमर बने हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट 4 दिसंबर 1978 को वजूद में आया था, जब से आज तक तकरीबन 110 पब्लिकेशन ये शाये कर चुका है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के तहकीकी मदामीन होते हैं। हमारा एक सालाना रिसर्च जर्नल भी हम शाये करते हैं, जो यहाँ पर सेमिनार होते हैं हर साल, या वर्कशॉप होते हैं, या जो है तोसी खुतबात में जो मकालात पढ़े जाते हैं, हम उस जर्नल में उन मकालात को शाये करते हैं जो रिसर्च स्कॉलर के लिए मुफीद होते हैं और उनको इफादा और इस्तिफादे का सबब बनते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सर्वे का काम बहुत अहम है। ये इसके बुनियादी मकासद में से है कि हम इस इदारे को किस तरह बढ़ाएँ और किस तरह इसको तरक्की दें। तो मखतूतात की ख़रीद भी हम करते हैं साल में एक मरतबा, और गवर्नमेंट इसमें हमें बजट फराहम करती है, और इसी तरीके से हम सर्वे भी करते हैं। इस इल्म के ख़जाने में तकरीबन 8,351 कलमी नुस्खे, 30,528 मतबूआ किताबें, 674 फरामीन, 16,345 पुराने रसायल और 65,000 शरीयत इस्लामी के फैसले रिकॉर्ड के तौर पर महफूज हैं। इसके अलावा मुंशी खाना, हुजूरी असनाद और बौद्ध मजहब के तारीखी कागजात भी शामिल हैं। सन 1867 में टोंक के नवाब मोहम्मद अली खान ने अपने कुछ नायाब किताबी नुस्खों से इसकी शुरुआत की थी। फिर नवाब सादत अली खान ने इसे सईदिया लाइब्रेरी में मुंतकिल कर दिया, जिसे राजस्थान बनने के बाद से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुतुबखाना जो है तीसरे नवाब, नवाब मोहम्मद अली खान साहब की देन है। आपने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए, आप अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाहते थे, आपसे अंग्रेज़ आपको हटाना चाहते थे, आप बहाने की तलाश में थे। अंग्रेज़ों ने लावा एक जगह है यहाँ पर, उसका एक झगड़ा हुआ, उसका बहाना बना के आपको वाराणसी बनारस में हाउस अरेस्ट कर दिया। 28 साल तक आप वहाँ रहे, आपको बहुत अच्छी पेंशन दी गई और जो यहाँ पैसा था वो ले जाने की इजाज़त दी गई। आप एक आलिम फाजिल, बहुत बड़े अरबी फारसी के आलिम थे। आपने वहाँ ये किया कि एक इल्मी रियासत कायम की। आपने उन पैसों से उन जो है उलमा को जमा किया और जो है किताबें लिखवाना शुरू की, किताबें जमा की, किताबें ख़रीदी। जो भी कोई किताब कहीं भी अरबी फारसी की लेकर आता था, आप उसको ख़रीदते थे और आपने कुतुबखाने में उसको जमा कर लेते थे। इस तरह आपने 28 साल वहाँ आप रहे, आपका इंतकाल वहीं हुआ, आपकी कब्र वहीं है। 3,000 आपने मखतूतात जमा किए। आपके इंतकाल के बाद ये मखतूतात टोंक आ गए। टोंक में मुख्तलिफ़ जगहों पर ये मखतूतात रहे। 1947 के बाद ये सईदिया डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में ये मिल गए। उसके बाद एक आर्डर के तहत आबो आराई की एक शाख यहाँ टोंक में कायम हुई। ये सईदिया डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से अलग होकर मखतूतात की एक शाख बनकर आबो आराई की एक शाख यहाँ बन गई और साहिबजादा शौकत अली खान साहब उसके इंचार्ज बने। आपने बहुत कोशिशें की और आपकी कोशिशें और राजस्थान सरकार
के का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि 1978 में ये राजस्थान सरकार ने अरबी फारसी का इसको निदेशालय बना दिया, सेपरेट डायरेक्टरेट बना दिया, ताकि अरबी फारसी की जो किताब जो भाषाएँ लुप्त हो रही हैं उन भाषाओं का विकास और डेवलपमेंट हो सके, उनकी तरक्की हो सके, उनको जो ख़त्म हो रही हैं उनको हम आगे ला सकें, उन किताबों का अनुवाद किया जा सके। रिसर्च स्कॉलर यहाँ आए, 78 में ये जो संस्थान है ये निदेशालय बन गया सेपरेट, और 1984 में इसके लिए एक अलहदा इमारत तामीर की गई, 1986 में ये बन के तैयार हुई, 1987 में ये नजरबाग पैलेस से यहाँ मुंतकिल हो गया ये अरबी फारसी मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, और 88 में इसका इनागोरेशन पी शिव शंकर साहब मानव संसाधन विकास मंत्री के कमरों द्वारा हुआ। तब से ये संस्थान इस बिल्डिंग में है। इसका जो उद्देश्य है उसका मकसद है, पहला मकसद अनुवाद, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ हैं उनका अनुवाद हो सके, उन पर काम हो सके, उनमें क्या है उस ख़जाने को हम सामने ला सकें, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है। दूसरा मकसद इसका किताबों की बाइंडिंग, जो किताबें खस्ता हाल हैं, हमारे यहाँ एक लेमिनेशन का काम भी होता है, लेमिनेशन भी किया जाता है, पहले दिल्ली से लेमिनेशन होके आता था, अब हमारे यहाँ लेमिनेशन होता है, जो किताबें खस्ता हाल हैं शिकस्ता हो गई हैं उनका लेमिनेशन हो सके, उनको महफूज किया जा सके आगे के लिए। सन 1961 में टोंक में इसकी एक ब्रांच बनाकर इसके इल्मी जखीरे को जोधपुर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद सन 1973 में सूबाई सरकार ने एक अलग इंस्टीट्यूट कायम किया जिसका नाम अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च सेंटर रखा गया। इस इंस्टीट्यूट को और भी फ़ाल बनाने के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरियों और कुतुबखानों से अरबी और फारसी के कीमती नुस्खे यहाँ लाए गए। यहाँ लाए गए नुस्खों को इस इंस्टीट्यूट में अलवर कलेक्शन, भरतपुर कलेक्शन, जयपुर कलेक्शन, झालावाड़ कलेक्शन वगैरह के नामों से महफूज किया गया। इस इदारे की तारीख पर अगर आप नज़र डालें तो 1867 में यहाँ के नवाब ने मखतूतात का ज़खीरा जमा किया और कहा जाता है कि इस इदारे में 8,500 नादिर व नायाब मखतूतात मौजूद हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद भी इस इदारे की जीनत बना हुआ है। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे नादिर व नायाब मखतूते मौजूद हैं कि जिनका कोई भी कलमी नुस्खा पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। एक कुरान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ ऐसा मौजूद है कि जिसे कई आदमी मिल करके वरक को खोलते हैं और बंद करते हैं। इसके अलावा वहाँ तकरीबन 35,000 नादिर व नायाब किताबें मौजूद हैं, जो किताबें इल्म व अदब के ताल्लुक़ से, उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से आज भी हमें रोशनी अता कर रही हैं। आखिर राजस्थान सरकार के ज़रिए एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया जिसके तहत सन 1978 में एक अलग डायरेक्टरेट कायम कर दी गई और साहिबजादा शौकत अली खां को इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया। सन 1939 में इस डायरेक्टरेट का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक राजस्थान रखा गया। एक और संगे मील के तौर पर सरकार ने हाल ही में आलिमों के लिए एक मेहमान खाना भी कायम किया है जिसका मकसद असाध्जा और रिसर्च करने वालों के लिए बेहतर रिहायशी और दीगर सहूलियात मुहैया कराना है। इस इंस्टीट्यूट में पहले मुंतकिल किए गए कलमी नुस्खों और कीमती किताबों के अलावा और भी बहुत सा इल्मी जखीरा खरीदा गया है। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने अपनी जाती किताबों से भी इस इंस्टीट्यूट के इल्मी खजाने में इजाफा किया है। इनमें से कुछ किताबें बहुत ही नादिर और नायाब हैं और अपने मालिकों की फयाजी का बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। इस तरह के कलेक्शन को मौलाना शागिल कलेक्शन जयपुर, जौहर कलेक्शन टोंक, पंडित राम निवास कलेक्शन टोंक, मौलाना उबैद अरब कलेक्शन भोपाल, हाफिज
कमर कलेक्शन अजमेर, चांद बिहारी लाल सबा कलेक्शन जयपुर, मौलवी हकीम मोहम्मद अहमद कलेक्शन टोंक वगैरह के नाम से जाना जाता है। कलमी नुस्खों, मतबूआ किताबों, रसायल और जरायद के तहफ्फुज के हवाले से तो इस इंस्टीट्यूट को जाना ही जाता है। इसके अलावा यहाँ असातज़ा और रिसर्च स्कॉलर्स को कम दामों पर ज़ेरॉक्स कॉपी भी मुहैया कराई जाती है। ऐसे रास्ते भी इख्तियार किए जाते हैं कि दूर दराज के रिसर्च स्कॉलर्स बज़रिए डाक यहाँ के नुस्खों से इस्तेफादा कर सकें। जो लोग के बाहर बैठे हुए हैं और खतूत के ज़रिए यहाँ के मख्तूतात से मुतालिक, मतबूआत से मुतालिक जो मालूमात वो चाहते हैं, उनको खतूत के ज़रिए, उनको डाक के ज़रिए वो मालूमात फराहम कर दी जाती है, तो इदारा इस खिदमत को भी अंजाम दे रहा है। सिवाय छुट्टी के दिन के यहाँ के दरवाजे हमेशा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ एक मुतालिया गाह बनाने का भी मंसूबा ज़ेर गौर है, जहाँ बैठकर आराम से मुतालिया किया जा सकेगा। अब तक यहाँ से बहुत से स्कॉलर्स को पीएचडी की डिग्री से सरफराज किया जा चुका है और बहुत से लोग अब भी रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से हिंदी में 6, इंग्लिश में 7, उर्दू में 40, फारसी में 3 और अरबी में भी 3 किताबें यानी कुल मिलाकर 59 किताबें अशाती मरहले से गुजर चुकी हैं। यहाँ अदबी प्रोग्रामों के अलावा कौमी यकजहती और समाजी मेल मिलाप के फरोग के लिए प्रोग्रामों का सिलसिला भी जारी है। मुशायरे, चार बैत और कव्वाली जैसे कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ की रौनक को दोबाला करते हैं। नवाब मोहम्मद अली खां और नवाब अमीरुद्दौला स्कॉलरशिप मंसूबे के तहत 800 रुपये फी माह 2 लोगों को और 400 रुपये फी माह 4 लोगों को वजीफे के तौर पर दिए जाते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ उर्दू के तहत 1 साला कंप्यूटर कोर्स भी यहां कराया जाता है। मैं टोंक की रहने वाली हूं, यहां से मैं डीसीए का कोर्स कर रही हूं। यहां पर और भी बहुत सारे कोर्स किए जाते हैं, कैलीग्राफी वगैरह और उर्दू की और अरबी फारसी बहुत सी रेयर किताबें हैं यहां पर जो कहीं भी यहां से अलावा देखने को नहीं मिलती। और उसके अलावा यहां पर बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। और अरबी फारसी में म्यूज़ियम भी है जो यहाँ के देश विदेश से लोग देखने आते हैं। मैं APRS से कोर्स कर रहा हूँ, मैं टोंक में रहता हूँ। यहाँ पर DCA कोर्स हो रहा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। ये DCA एक डिप्लोमा है, 1 ईयर डिप्लोमा है। NCPUL संस्था चला रही है जो कि दिल्ली में है और यहाँ APRI के अंदर, यहाँ टोंक APRI में हो रहा है कोर्स। मैं टोंक APRI से एक DCA कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर उर्दू भी सिखाई जाती है और अरबी फारसी का कोर्स भी होते हैं और कैलीग्राफी भी सिखाई जाती है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसमें रेयर किताबों का कलेक्शन है। राजस्थान सरकार भी इस इंस्टीट्यूट में कलमी नुस्खे और मुशक्कल तुगरे पढ़ने का प्रोग्राम चला रही है, क्योंकि उलझी हुई पुरानी तहरीरें पढ़ना खासा मुश्किल काम है, लिहाजा इस तरफ खास ध्यान दिया गया है। इस सिलसिले में 10 तलबा को 500 रुपये महीना वजीफा भी दिया जाता है। इस क्लास में तकरीबन 10 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। उनको रिसर्च कैसे किया जाए, इसी तरीके से मोहरे कैसे पढ़ी जाती हैं, सिक्के पुराने ज़माने के उनकी इबारत कैसी होती है उसको समझना, उसको पढ़ना, इसी तरीके से जो फरामीन हैं, जो खतूत बादशाह और आवाम के दरमियान, उमरा के दरमियान रिसाल किए जाते थे, उनको कैसे समझा जाता है, उनकी इबारत कैसी होती है, ये तमाम बातें इस क्लास में हमारे तलबा को सिखाई जाती हैं। ये इदारा बहुत आलमी इदारा है, इसमें बड़ी नायाब और कीमती किताबें हैं। क़ुरान मजीद की तफसीर है, हदीस मुबारक है, फ़िक़ह की किताबें हैं और तारीख़ की बड़ी अहम ऐसी किताबें हैं जो दूसरे इदारों में हमें मैसर नहीं होती।
हमें फ़ख्र है कि हमारे टोंक में एक ऐसा इदारा कायम है जो पूरे आलम में शोहरत रखता है और जहाँ पर रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपनी इल्मी प्यास बुझाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक पर्शियन इंस्टीट्यूट में मैंने स्क्रिप्टोलॉजी जो मख्तूता शहनासी का कोर्स करने आते हैं और ये कोर्स एक साल होता है। ये एमए की बेस पे होता है, एमए हिस्ट्री या एमए उर्दू या एमए पर्शियन या एमए अरबी में एक सब्जेक्ट में एमए होना ज़रूरी है इसके लिए। और इसमें हमें पुराने मख्तूता को पढ़ना सिखाया जाता है और सियाही बनाने का तरीक़ा और सियाही किस तरीके से बनाई जाती है और कब की सियाही है इसका काल बताना, पहचानना और कागज़ किस काल का है, कागज़ की पहचान कराई जाती है और तहकीक के बारे में बताया जाता है, रिसर्च करना सिखाया जाता है यहाँ पर हमें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक एंड पर्शियन इंस्टीट्यूट टोंक मुल्क में होने वाले किताबी मेलों में भी हिस्सा लेता है। यहाँ एक नया डिस्प्ले हॉल बनाया गया है जहाँ शीशे के बक्सों में बहुत सी नादिर व नायाब अशिया हैरानी का सबब बनती रहती हैं। आप इसे एक खूबसूरत म्यूजियम भी कह सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट में फिलहाल 50 कारकुन हैं जिनमें 2 गेजेटेड अफसर हैं जो इसे बेहतर और फ़ाल बनाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यहाँ कुरान मजीद का दुनिया का सबसे बड़ा कलमी नुस्खा मौजूद है जो 32 सफहात पर मुश्तमिल है और एक पारा 2 सफहात पर मबनी है। इस नुस्खे का वजन तकरीबन 260 किलोग्राम जिल्द समेत है। इसके अलावा जिस शोकेस में से रखा गया है उसका वजन भी तकरीबन 250 किलोग्राम है। इसके कातिब हाफिज गुलाम अहमद साहब हैं और मौलाना जमील अहमद साहब ने इसे अपनी निगरानी में तैयार कराया है। यह कुरान करीम हाजी मोहम्मद शेर खान साहब ने टोंक में हम लोगों के ज़रिए तैयार करवाया। यह कुरान करीम ख़त नस्ख में कागज़ पर दुनिया के सबसे बड़े साइज़ का कुरान करीम है। जब हाजी मोहम्मद शेर खान साहब ने यह सुना कि अफ़गानिस्तान में 7 फुट लंबा कुरान करीम तैयार हुआ है तो उनके मन में ये बात आई, उनके दिल में ये बात आई कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसलिए हिंदुस्तान में ऐसा कुरान शरीफ तैयार होना चाहिए जो दुनिया का सबसे बड़ा साइज़ हो, अफ़गानिस्तान में जो 7 फुट लंबा तैयार हुआ है उससे भी बड़ा साइज़ हो, ताकि हमारे मुल्क की नेकनामी की शोहरत दूर दूर फैले, कला की दुनिया में, नक्काशी की दुनिया में, खत्ताती की दुनिया में हमारे मुल्क का नाम हो, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। चुनांचे उन्होंने मुझे याद किया, मेरे सुपरविज़न में इस कुरान करीम का तमाम काम अंजाम पज़ीर हुआ। मेरे भाई ग़ुलाम अहमद, हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम अहमद ने इस कुरान शरीफ को अपने हाथ से लिखा, किताबत किया। मेरे भाई उमर दराज, मेरे बच्चे फ़ाइक, रागिब, कामरान, दानिश, बच्चियाँ गज़ाला परवीन, फ़ायज़ा परवीन, मेरे दूसरे भाई उमर दराज और जो भाई कातिब हैं ग़ुलाम अहमद टोंकी, ये सब हमारे साथ काम में शामिल रहे। हमने हर पेज में 41 लाइनें रखी हैं, हर लाइन अलिफ से शुरू की है। इस तरह हरूफ को नशस्त के लिहाज से रखा है कि हर लाइन उसकी अलिफ से शुरू हो, और हर पेज का डिज़ाइन, हर वर्क का डिज़ाइन अलग रखा है। 2 पेज में एक कुरान शरीफ का पारा मुकम्मल तौर पर लिखा है। पहला पारा 3 पेज में है, बाकी तमाम पारे 2-2 पेज में हैं। यह कुरान करीम 2.5 क्विंटल से ज़्यादा कुछ वज़न है इसका, और इसके शोकेस का वज़न 2.5 क्विंटल से कहीं और ज़्यादा है, कुरान करीम के वज़न से कहीं ज़्यादा है। सागवान और शीशे का बना हुआ ये शोकेस है जिसका साइज़ 8-12 है। कुरान करीम का साइज़ 10 फुट 5 इंच है लंबाई में, और चौड़ाई में 7.5 फुट है। ये तमाम काम हमारे टोंक में, हमारे घर पर अंजाम पज़ीर हुआ। इसमें हाफिज़ क़ारी ज़फ़र रज़ा और जनाब खुर्शीद आलम खत्तात, ये दोनों हमारे छोटे भाई के उस्ताद हैं जिन्होंने इसको किताबत किया है, उनके इसमें मुफीद मशवरे शामिल रहे हैं। एक राहबर नाज़िम अशरफ़ी साहबा चित्तौड़ के हैं, उनके मशवरे भी इसमें शामिल रहे हैं।
हाजी मोहम्मद शेर खान साहब का ये एक बहुत अजीम उशान कारनामा है जो रहती दुनिया तक मशहूर व मारूफ रहेगा। इसको अब तक देखने के लिए 4 लाख से ज़ायद लोग आ चुके हैं, यहाँ तक के जनाब हामिद अंसारी साहब अपने हिंदुस्तान के जो नायब सदर जमहूरिया हिंद हैं वो भी इसको देखने APRI को देखने यहाँ टोंक तशरीफ ला चुके हैं। इस लाइब्रेरी की नादिर व नायाब किताबों में इकबाल नामा जहांगीरी, शाहनामा फिरदौसी, शाहजहां नामा, तुज़्क जहांगीरी, अकबर नामा, सही बुखारी और अगराज़ुस सियासा वगैरह चंद काबिल ज़िक्र किताबें हैं। इसके अलावा औरंगज़ेब के हाथों लिखा हुआ कुरान शरीफ का नुस्खा ख़ास अहमियत का हामिल है। इसके पहले और दूसरे सफ़े पर सोने और नीलम से काम किया हुआ है जो अपनी खूबसूरती के बिना पर अपना सानी नहीं रखता। तो नाज़रीन, आज हमने टोंक के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबिक एंड पर्शियन इंस्टीट्यूट की इमारत को देखा, वहाँ की इल्मी और अदबी सकाफती सरगर्मियों को बहुत करीब से देखा, मौलाए कायनात हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान भी देखा, वहाँ की नादिर व नायाब किताबों को भी देखा, वहाँ के अहदेदारान से हमने गुफ्तगू की और इस नतीजे पे पहुँचे कि यकीनन ये इदारा हिंदुस्तान के तमाम इदारों में अपनी सरगर्मियों और अपने इल्मी कारनामों की वजह से मुमताज़ हैसियत रखता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़ज़ाने में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए इदारे का सफ़र करेंगे, नए मेहमानों से मिलेंगे, नई किताबों की ज़्यारत करेंगे, नए मख्तूतात को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें, एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात, जानकारी देंगे नौकरियों और एडमिशन्स की,